हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मैंडेट चुराने और इक्तदार के लिए अपनी दरवाजे ढूंढने वाले अपनी इसलाह करें। अपोजिशन और हिज़्ब इक्तदार दोनों पार्लिमान का लाजमी जुज हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी क़यादत को मिल बैठने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास का नौ तैनात, मीडिया एडवाइजर सरदार ज़ाहिद तबस्सुम के एजाज में मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब। 8 सालों में 9वीं मर्तबा आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में बिजली का तवील ब्रेक डाउन, हर जानब अंधेरों का राज, 18 घंटे बाद जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। बिजली की बंदिश से जहां कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासर, वहीं रियासती और हुकूमती अमूर भी तहतल का शिकार हुए। बिजली के पावर हाउस चलाने के लिए वाफर मकदार में तेल मौजूद है। मजीद 48 घंटों तक मुल्क में लोड शेडिंग रहेगी, 2 दिन में सब कुछ बहाल हो जाएगा। वफाकी वजीर पानी और बिजली ने अफवाहों की तर्दीद कर दी। आवाम हो जाए तैयार, बिजली गैस मजीद महंगी होगी, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। मशरूबात, सिगरेट और पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद टैक्स लगाए जाने का इम्कान। बिजली के ब्रेक डाउन के बायस पेट्रोल और डीजल की मांग में होशरबा इजाफा, 50% पेट्रोल पंप्स पर डीजल पेट्रोल खत्म, जनरेटर्स के लिए पेट्रोल डीजल लेने वालों का पेट्रोल पंप्स पर रश। सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए दूर दराज इलाकों में मोबाइल यूनिट्स फहाल करने का फैसला, रियासत में फलाह बहबूद के लिए ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी से मदद लेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर की मुआवने खसूसी बराए सेहत आमा डॉक्टर सरदार महमूद और वजीर सेहत से गुफ्तगू। मखसूस नशिस्त पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली पहली PhD स्कॉलर डॉक्टर समेरा राशिद जराल ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, महकमा इनलैंड रेवन्यू आज़ाद कश्मीर के तमाम मुलाजमीन आज आज़ाद कश्मीर भर में सरापा एहतजाज हैं। इससे पहले हमने तहरीरी और ज़बानी तौर पर हुकामे बाला को और बताया कि हमारे जितने भी मुतालबात हैं उनको हल किया जाए। और इनलैंड रेवन्यू गैर जरीदा मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। मुतालबात पूरे ना होने पर भूख हड़ताल और धरना देंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद आसिफ चौधरी की सुबह 9 न्यूज से गुफ्तगू। ताज़ा तरीन खबरें, तजिये, इदारे और बेदाग मज़ामीन पढ़ने के लिए डेली सुबह 9 न्यूज़पेपर और बेहतरीन न्यूज़ पैकेजेस और ताज़ा तरीन हेडलाइंस देखने के लिए देखते रहिए सुबह 9 न्यूज़।